दोस्तों देवघर से डिब्रूगढ़ के लिए जो ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाली थी, यह ट्रेन का पाकुड़ होकर चलने वाली थी, लेकिन दोस्तों इसका रूट में बदलाव किया गया। जी हां दोस्तों, अब इस ट्रेन का जो परिचालन है वह मोहनपुर, हजडिया, भागलपुर होकर कराई जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सबको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है आज के इस वीडियो में, तो बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको ट्रेन से जुड़ी जानकारी हमेशा मिलती रहती है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वही दोस्तों गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी अब इस ट्रेन का जो परिचालन है वह मोहनपुर, हजडिया, भागलपुर रूट पर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द इसकी सारी अपडेट आप सबको मिलेगी कि किस किस स्टेशन से यह ट्रेन होकर गुजरेगी और किस किस स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहरा होगा। बाकी जो अपडेट मुझे अभी प्राप्त हुआ है, जो जानकारी मुझे मिली है, वह हम आप सबको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। इसी महीना में शुरू होने वाली थी देवघर डिब्रूगढ़ के ट्रेन के परिचालन, लेकिन दोस्तों शुरू होने से पहले ही इस ट्रेन के रूट में बदलाव किए गए। पहले इस ट्रेन का परिचालन देवघर से दुमका, दुमका से पाकुड़ व मालदा के रूट पर होने वाली थी, जिसमें रेलवे इसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया, यानी कि रूट ही पूरा चेंज कर दिया। अब इस ट्रेन का जो परिचालन है वह मोहनपुर, हजडिया, भागलपुर, मुंगेर व कटिहार होकर इस ट्रेन को चलाया जाएगा। अब यह ट्रेन दुमका, पाकुड़ और मालदा नहीं जाएगी, क्योंकि दोस्तों अब इसका रूट बदल गया है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इस ट्रेन को मोहनपुर से हजडिया होते हुए परिचालन करने का अनुरोध रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किया था। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के अनुसार इस मार्ग से ट्रेन का परिचालन होने से देवघर व दुमका जिले के रेल यात्री के साथ साथ गोड्डा जिले के रेल यात्री को भी सुविधा होगी। रेलवे की जांच रिपोर्ट के अनुसार इस रूट से परिचालन होने पर घंटे समय की बचत होगी। मालदा रामपुर हाट खंड को सबसे महत्वपूर्ण माल ढुलाई मार्ग माना जाता है, जबकि इस मार्ग में ढुलाई कम है। डिब्रूगढ़, मालदा, रामपुर हाट, देवघर के रास्ते चलने वाली ट्रेन को रामपुर हाट में इंजन रिवर्सल की आवश्यकता होगी, जो लाइन क्षमता के अलावा एक प्रमुख परिचालन बाधा है। इसे देखते हुए ट्रेन को भाया कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, हजडिया, देवघर के रास्ते चलाना जरूरी समझा गया। साथ ही इस मार्ग पर ट्रेन चलने से देवघर, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया व कटिहार जैसे शहर को जोड़ दिया जाएगा। सबसे अच्छा ये बात है कि इस ट्रेन के माध्यम से सुल्तानगंज से यात्री डायरेक्ट देवघर जा सकेंगे, यानी कि जो भक्तगण हैं, जो देवघर जाना चाहते हैं, वह इस ट्रेन के माध्यम से सीधे सुल्तानगंज से देवघर जाएंगे। डिब्रूगढ़ से नॉर्थ बैंक होते हुए देवघर तक वर्तमान में कोई सीधी रेल कनेक्टिविटी नहीं है। दोनों स्थानों के बीच यह ट्रेन सेवा की शुरुआत होने से इस क्षेत्र के लोगों को यात्रा संबंधी जरूरत को पूरा करेगी और इस रेलवे को अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। वही दोस्तों देवघर से डिब्रूगढ़ वाली जो ट्रेन है वह सप्ताह में 2 दिन चलेगी। बहुत जल्द इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा और इस ट्रेन का परिचालन हो सके मोहनपुर हजडिया रूट पर। पहला ट्रेन जो होगी वह यही ट्रेन होने वाली है। दोस्तों बहुत मेरे वीडियो में कमेंट आता है कि मोहनपुर हजडिया लाइन कम्प्लीट है, तो इसका इस ट्रैक पर ट्रेन का परिचालन कब से शुरू होगा। तो दोस्तों एक संकेत मिल चुका है कि इस रूट पर पहली जो ट्रेन होगी वह देवघर डिब्रूगढ़ वाली ट्रेन होने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यही जानकारी मुझे देना था कि देवघर डिब्रूगढ़ की जो ट्रेन है उसका रूट में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन इसी महीना शुरू होने वाली थी देवघर स्टेशन से, जिसका जो रूट था वह दुमका, पाकुड़ और मालदा था, लेकिन अब इस ट्रेन का रूट में बदलाव करके इस ट्रेन को मोहनपुर, हजडिया, भागलपुर, मुंगेर के रास्ते चलाया जाएगा। आई होप कि गाइस आज की इस वीडियो से आप सबको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस अपडेट यानी कि इस बदलाव से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग खुश नहीं हैं वो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। जो लोग खुश हैं वो यस लिखिएगा, जो लोग खुश नहीं है वो नो जरूर लिखिएगा। और जितने भी भाई चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको देवघर, जसीडीह, गोड्डा, भागलपुर, जसीडीह, रिपैती जैसे स्टेशन की सारी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहती है। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।